good. हाँ हाँ वेरी गुड. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग टर्म केयर. एज यू ऑल आर फ्रॉम बायोमेडिकल, सो दिस इज वेरी क्लोज टॉपिक फॉर यू पीपल बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल ज्वाइन द हेल्थ और हेल्थ केयर सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री. सो आई होप यू विल कंसनट्रेट ऑन टुडेज लेक्चर्स. And hopefully after completion of this chapter, we will conduct quiz in our next week. So when I say long-term care, so what do you mean by long-term care? Can someone share his views about long-term care? जी बताइए. Good. Anyone else? चलें इसको हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म केयर क्या होती है. लॉन्ग टर्म केयर रेफर्स टू रेगुलर असिस्टेंस फॉर पीपल विद क्रोनिक इलनेस और मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज बोथ इन नर्सिंग होम एंड एट होम. अनलाइक अदर हेल्थ केयर सर्विसेज, लॉन्ग टर्म केयर इज प्राइमरली इंटेंडेड टू हेल्प विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग रेदर देन टू ट्रीट मेडिकल कंडीशंस. लॉन्ग टर्म केयर कहते हैं कि जो रेगुलर असिस्टेंस होती है उन लोगों के लिए जो क्रोनिक इलनेस पर होते हैं, यानी कि जिनको मौलिक बीमारी लाहक होती है, या फिर उनको कोई मेंटल डिसेबिलिटी होती है या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जिससे वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, खुद से खाना नहीं खा सकते, बात नहीं ले सकते, ड्रेसिंग्स नहीं कर सकते. ठीक है ना, उनको बेड से उठाकर चेयर और चेयर से उठाकर बेड पर जो है वो बिठाना पड़ता है. जो भी यानी कि ADLs कहते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स में उनको दे आर रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म केयर। जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो मेंटल डिसेबिलिटी में, फिजिकल डिसेबिलिटी में, या खुदा न खास्ता कुछ क्रोनिक इलनेस के अंदर मुब्तला होते हैं, उनको रेगुलर असिस्टेंस दी जाती है। उस रेगुलर असिस्टेंस को हम क्या कहते हैं जी? लॉन्ग टर्म केयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म केयर की याद रखें कि जो क्रोनिक इलनेस के पेशेंट्स होते हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं, या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जिनको होती है, उनको क्या रिक्वायर्ड होती है? लॉन्ग टर्म केयर रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अब इसमें देखें, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि ADL क्या होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। दीज एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म टू दोज रेजिडेंट्स दैट कैन नॉट परफॉर्म दीज टास्क देमसेल्व्स। दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड पर्सनल हाइजीन्स में क्या क्या होती हैं? जब ये मैंने आपको बता दिया कि वो लोग होते हैं जो ये खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि हमें इसको लॉन्ग टर्म केयर के लिए कोई ना कोई नर्स, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, कोई ना कोई हेल्थ के हवाले से, अगर वो घर में ये लेना चाहते हैं, ये ADLs लॉन्ग टर्म केयर, और अगर हॉस्पिटल्स में आके लेना चाहते हैं, तभी भी वो इनके लिए प्रॉपर एक नर्स जो है वो फिक्स होती है, डॉक्टर चेकअप करता है, और एक नर्स उनको ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, जो ADL होती है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ये करवा रही होती है। पर्सनल हाइजीन में उनको बाथिंग के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से, औरल केयर के हवाले से हम सर्विसेज दे रहे होते हैं। ड्रेसिंग के हवाले से द एबिलिटी टू मेक अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग डिसीजंस एंड फिजिकल ड्रेस ऑन सेल्फ, कि आप उनको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, इसमें आप हेल्प आउट कर रहे होते हो। ईटिंग के हवाले से द एबिलिटी टू फीड वन सेल्फ दो नॉट नेसेसरली टू प्रिपेयर फूड, उनके लिए जो खुद से खाना नहीं बना सकते, खुद से खाना खा भी नहीं सकते, उनके लिए फिर आप क्या करते हैं कि वो जो नर्स होती है वो उनके लिए वो खाने का अरेंज करती है। फिर मेंटेनिंग कॉन्टिनेंस बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी टू यूज अ रेस्ट रूम, जाहिर बात है उनको रेस्ट रूम में ले जाना, रेस्ट रूम से बाहर लेकर आना, थोड़ी सी आउटिंग करवानी, उनको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करानी, उनके साथ उनके मुताबिक जो है वो हैंडल करना, उसको हम कहते हैं मेंटेनिंग कॉन्टिनेंस, यानी कि उनको रेस्ट रूम वगैरह यूज़ कराना ऐसे लोगों को जो मेंटल फिजिकल एबिलिटी के हवाले से थोड़ा से वीक है। ट्रांसफरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, उनको मूव करना, कि उनको बेड से उठाकर सीट पर बिठाना, सीट से उठाकर बेड पर बिठाना, ये तमाम इसको हम कहते हैं ट्रांसफरिंग के। जाहिर बात है एक बंदा जो फिज़िकल डिसेबिलिटी का शिकार है या मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार है, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है चीज़ों को चूज आउट करना, और अपने लिए जो है वो अपने ड्रेसिंग करना, अपने लिए खाने के को बंदोबस्त करना, पर्सनल हाइजीन के हवाले से। फिर जो खासकर फिज़िकल जो डिसेबिलिटी के लोग होते हैं, खुदा ना खास्ता भी देखें किसी के अगर टांग टूट जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाए, वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए क्या करना पड़ता है कि उनको कोई ना कोई सहारे की ज़रूरत होती है, और उस सहारे को हम जब हेल्थ के ज़बान में कहते हैं कि नर्सिंग केयर, कि वो उसको उनको क्या करते हैं कि वो उनकी हेल्प आउट करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने की एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह पर लेकर आते हैं, ताकि वो उनकी जो ये मूविंग जो है ना ये चलती रहे। यहाँ तक समझ अगर नहीं आई तो क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क जी। बताइए, आपका हाथ खड़ा है समाबिया। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग नहीं हम पढ़ रहे हैं इसको। अच्छा, उसके बाद उसमें देखें कि ये कहता है हु इज LTC, क्लियर नहीं आ रहा, एप्लीकेबल टू, हु इज LTC एप्लीकेबल टू। LTC किसे कहते हैं? नोट करते जाएं, LTC स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म केयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म केयर ज़्यादातर किन लोगों की होती है? जो 65 और मोर देन 65 ईयर्स के होते हैं, या फिर वो लोग जो डिसेबल होते हैं। जैसे मैंने अभी दो तरह से डिसेबिलिटी बताई, एक फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी। चलें इसको देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू सी दैट मेजोरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म केयर ऑडियंस आर दोज पीपल एज 65 एंड ओल्डर। देयर आर हाउ एवर अदर्स who use long term care to fulfill their need. Disabled persons who require assistance in activities of daily living are a large audience of the long term care industry. ठीक है, समझ आ गई कि वो क्वेश्चन who is LTC applicable to, तो आप ये बताएंगे कि LTC किस पर applicable है? 65 and more than 65 years old लोग, या फिर वो लोग जो डिसेबल होते हैं। और जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ को उससे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है फिर ये एलटीसी लॉन्ग टर्म केयर जो है वो उन पर ये एप्लीकेबल होती है। क्लियर? अच्छा, अब ये है हिस्ट्री थोड़ी सी बता रहा है लॉन्ग टर्म केयर की। हिस्ट्री में देखेंगे 19 में क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म केयर जो है ना वो क्या कंसीडर की जाती थी, जो फ्रेंड्स एक दूसरे की करते थे, फैमिली मेम्बर्स करते थे, ये कम्युनिटी केयर्स होती थी बूढ़े लोगों के हवाले से। इसके अलावा अर्ली 90s में रिलीजियस स्पॉन्सर्स एफिलिएट केयर फॉर द एल्डरली रेस्ट होम आल्सो बिगिंस टू कम फोर्थ। 90s में क्या हुआ कि जो मजहबी लोग थे ना, ये मजहबी जो स्पॉन्सर्स लोग थे वो क्या करते थे, बूढ़े लोगों के लिए उन्होंने एक रेस्ट होम बनाया हुआ था, जहाँ पर क्या होता था कि जो इनकी केयर के लिए ये जो बूढ़े लोग होते थे उनको ये वहाँ दाखिल कर लेते थे। 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट असिस्टेड विद इनकम ऑफ द एल्डरली। फिर 1935 में एक प्रॉपर एक एक्ट कायम हुआ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जिससे जो इनके लिए जो बूढ़े लोगों के लिए उन्होंने बाकायदा फिक्स कर दिया कि वो वहाँ से एक इनकम के ज़रिए उनकी जो है वो लॉन्ग टर्म केयर जो है वो मखसूस कर दी गई, बजट उनको वो अलाइन कर दिया गया। फिर 1954 में हिल बर्टन एक्ट अमेंडमेंट्स क्रिएट हुआ 54 के अंदर, फाइनेंसेस टू हेल्प फंड द बिल्डिंग ऑफ नर्सिंग होम। फिर 1954 में बाकायदा इसकी एक बिल्डिंग बनी, हिल बर्टन एक्ट कायम किया गया, ये सेनेटर था वहाँ पर और उसके नाम पर हिल बर्टन एक्ट कायम हुआ और उसने फिर क्या किया कि नर्स बाकायदा एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसको नाम दिया गया नर्सिंग होम के हवाले से। इन 1972 एसएनएफ लिख लें, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़। नेक्स्ट अगर अगली स्लाइड्स में आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज एसएनएफ, स्किल नर्सिंग फैसिलिटीज आर क्रिएटेड डिफाइंड। ये अगर ये एमसीक्यूज में आ जाता है आपके पास कि व्हेन स्किल नर्सिंग होम फैसिलिटीज जो आर क्रिएटेड, तो आपको पता होगा ये 1972 में क्रिएट हुआ। इन 1987 द ओमनीबस बजट रिकन्सिलिएशन एक्ट ओबरा 87 इंक्लूड रिफॉर्मेशन ऑफ द नर्सिंग होम। फिर ये 1987 में एक और जो है वो एक्ट कायम जो है वो अप्रूव हुआ, जिसको ओमनीबस बजट रिकन्सिलिएशन एक्ट का नाम दिया गया और इसको ये क्या था कि इसको रिफॉर्म करने के लिए नर्सिंग होम के हवाले से। फिर इन 1995 में क्या हुआ, कांग्रेस पासेस लेजिस्लेशन रीपीलिंग ओबरा। ये ओबरा जो ऊपर था उसने क्या किया, कांग्रेस ने एक और लेजिस्लेशन पास की 1995 में किसके लिए, लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से। तो ये क्या है, ये हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री का कोई शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता हो कि उसकी क्या हिस्ट्री है लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से। अब इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेशक आप मार्क भी कर लें, ज़्यादातर एग्जामिनेशंस के अंदर किसी न किसी सूरत में ये नोटिंग की सूरत में आ जाए या लॉन्ग टर्म क्वेश्चन की सूरत में आ जाए, तो ये लाजमी क्वेश्चन जो है ना वो आता है। लेवल्स ऑफ लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है, रिहेबिलेशन हॉस्पिटल, स्किल्ड नर्सिंग होम फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, नर्सिंग होम क्या होते हैं, असिस्टेड लिविंग क्या होती हैं, और ये होम हेल्थ प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। तो ये हम अब जा रहे हैं वन बाय वन इसको डिस्कस करने के हवाले से। इसमें देखें सबसे पहले है होम, नीचे से शुरू कर रहा है होम हेल्थ के हवाले से। क्या होती है होम हेल्थ आपके ख्याल में? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो 65 मोर देन 65 हैं, ये और खुदा ना खास्ता उनको बीमारी लाग है, अगर हेल्दी हैं तो अल्लाह ताला उनकी सेहत को सलामत रखे, उनकी ज़िंदगी को जो है वो लॉन्ग रखे। और खुदा न खास्ता कोई ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं, जैसे मैंने अभी बात की मेंटली फिजिकल के वाले से, ये उनके लिए बहुत स्पेशली जो मूव नहीं कर सकते नर्सिंग होम की तरफ ना, तो उनके लिए ये होम हेल्थ केयर जो है की सर्विसेज होती हैं। होम हेल्थ केयर इज़ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज दैट कैन बी गिवन इन योर होम फॉर एन इलनेस और इंजरी। ठीक है, दो जुमले याद रखें, इलनेस या इंजरी की सूरत में ये घर पर आपको केयर दी जाती है। होम हेल्थ केयर इज़ यूजली लेस एक्सपेंसिव, more convenient and just as effective as care you get in a hospital or skilled nursing facility। ठीक है, ये क्योंकि देखें आप हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, वहाँ की फैसिलिटीज़ नहीं ले रहे, आप वो ज़्यादा चीज़ें तो अपने घर की यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आपके लिए घर में आप इजी फील करते हैं अपने। जो देखें, जो शख्स हॉस्पिटल में चला जाता है ना, वो 50% तो बीमार होता है, 50% साइकोलॉजिकल फैक्टर उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो ज़्यादातर जब वो डॉक्टर क्यों कहते हैं कि वो थोड़ा सा जब रिकवर होता है इसको घर ले जाएँ, तो घर के इन्वायरमेंट से जो पेशेंट है वो घर की केयर से जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो क्या है द आइडिया बिहाइंड होम हेल्थ केयर इज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस एज इंजरी एंड इलनेस इज ट्रीटेड, इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन द पेशेंट सेल्फ सफिशिएंस कहते हैं कि उसकी सेल्फ जो है उसका एक कॉन्फिडेंस कह लें, या एक जैसे मैंने अभी बताया कि साइकोलॉजिकली जो एक वो अपने आप को बेहतर फील करना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं सेल्फ सफिशेंस, कि वो अपने आप को खुद जो है हेल्दी महसूस करना शुरू कर देता है। वो कहता है इसका आइडिया भी यही है कि आप उसको क्या करें कि डिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो खुदा न खास्ता इंजरी में था या इलनेस था, कि वो घर जाए और घर जाकर वो अपने आप को जल्दी जल्दी रिकवर करना शुरू कर दे। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था इलनेस में एक जहाँ पर आपका जो है वो मेडिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो पेशेंट्स को 50% जो अगर जो उसकी रिकवरी होती है ना, वो आपकी केयर से होती है, मतलब फैमिली केयर्स कह लें, नर्सिंग केयर कह लें। यहाँ पर क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो वो कहते हैं ये होती है SNF के ज़रिए, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ के ज़रिए, जो वो क्या करते हैं, जो आपको घर में ही एक नर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जो क्या करती है कि उन लोगों की केयर करती है, जिससे वो अपनी सेहत को रिकवर कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आइए आपको। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी नेक्स्ट, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी क्या हो सकती है? असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज आर एन इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव फॉर एल्डरली हु रिक्वायर मिनिमल असिस्टेंस विद डेली लिविंग एंड पर्सनल केयर। द आइडिया एंड पर्पस बिहाइंड दीज फैसिलिटीज इज टू हेल्प एडल्ट्स live independently in an environment where help is readily accessible and where they may feel safe. अच्छा, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ उन लोगों के लिए होती है, वो होते तो बूढ़े हैं, लेकिन क्या है कि उनको ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत असिस्टेंस की ज़रूरत होती है अपनी पर्सनल केयर के हवाले से। तो क्या इसका आइडिया क्या है कि जब वो फैसिलिटीज़ के अंदर आते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली जो है ना उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सेट कर लेते हैं, और उनके लिए इजीली एक्सेसिबल होता है वो हेल्थ केयर सर्विसेज का। मतलब मिसाल के तौर पर ख़ुद थोड़ा सा बहुत मूव कर लेते हैं, बाथिंग कर सकते हैं, ठीक है, और जो है वो मेडिसिन वगैरह खुद खा सकते हैं। तो ये क्या है कि वो उनके लिए इजीली रेडली एक्सेसिबल होता है, और वो वहाँ अपने आप को फील जो है वो सेफ फील करते हैं। Those who live in these facilities do not require the medical and nursing care that is provided in nursing home. ठीक है, इनको इतनी ज़्यादा वो नर्सिंग होम में जो केयर प्रोवाइड की जाती है, इनको इतनी ज़्यादा वो केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस क्योंकि इनकी एज ज़्यादा होती है और ये अगर कहीं अनकम्फर्टेबल फील करते हैं तो इनके लिए क्या है असिस्टेंट लिविंग फैसिलिटीज़ बनाई गई है, जहाँ पर वो रहते हुए ख़ुद को सेफ भी फील करते हैं। आप देखें, ये तो एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम एक इस्लामिक माशरे में रह रहे हैं, वरना आप चाइना या किसी और ममालिक में देखें, ये वहाँ पर किस तरह जैसे जैसे वो वालदैन बूढ़े हो जाते हैं वो उनको मार के घर से निकाल देते हैं। अमेरिका में देख लें, यही होता है, उन्होंने ओल्ड होम बनाए हुए होते हैं, बच्चे जैसे ही वालदैन बूढ़े होते हैं वो उठा के उनको वहाँ बेचारों को एडमिट कर देते हैं। तो ये हमें और एक मैं आपको बात बताता चलूँ, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो ये अल्लाह ताला का ख़ास तोहफा होते हैं, एक छाँव की तरह होते हैं फैमिली के लिए। तो याद रखें कि जो लोग अपने वालदैन की, अपने दादा दादी की, नाना नानी की जो खिदमत करते हैं, और स्पेशली उनकी उस एज के अंदर, और उनकी उस एज में जब इंसान खिदमत कर रहा होता है तो उनकी दिल की जो दुआ होती है ना, वो बड़ी उसको स्ट्रॉन्ग करती है लाइफ के अंदर, उस मेल या फीमेल को जिसने अपने पेरेंट्स की या अपने ग्रैंड फादर या मदर की उनकी जो ख्याल रखा है। ज़रूरी नहीं कि वो ब्लड रिलेशन हो, कोई और भी रिश्ते में या कोई पड़ोस में कोई बुजुर्ग हैं, आप उनका ख्याल करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनके दिल से जो निकली हुई दुआ होती है ना, वो बहुत असर रखती है, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं पूरे तौर पर। अच्छा जी, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट बताएं क्या है, नर्सिंग होम। ठीक है, हाँ जी, नर्सिंग होम जैसे कि नाम से जाहिर है, नर्सिंग होम इज अ लोकल और रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल विद अ डिसेबिलिटी और क्रोनिक इलनेस। पहली चीज़ क्या है कि नर्सिंग होम स्किन के लिए है, वो ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो डिसेबल हैं या जिनका खुदा न खास्ता कोई क्रोनिक इलनेस है। नर्सिंग होम यूजली एप्लीकेबल टू दोज हु आर ओल्डर एंड नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ and their own. There are, however, exceptions of this. Those individuals with disabilities are able to live in nursing home and receive care there. Other names of nursing homes are convalescent homes or just simply long-term care facilities. ठीक है, ये अब आपके जहन में पता चल जाए कि नर्सिंग होम्स कौन से होते हैं। उन लोगों के लिए होते हैं जो डिसेबल होते हैं, क्रोनिक इलनेस के जिनमें मुब्तला होते हैं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली डिसेबल पीपल जो है, जो घरों में जिनको वो फैसिलिटीज़ के नहीं प्रोवाइड की जा सकती, जो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है, बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए हम उनको कहाँ पर नर्सिंग होम्स में लाया जाता है, जिनका नर्सिंग होम का एक नदर नाम है। अगर आपको इस नाम से MCQs आ जाए कि नर्सिंग होम के अदर नेम्स बताएं तो आपको पता हो कि कन्वेलसेंट होम्स भी इनको कहा जाता है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए कि नर्सिंग होम्स में वो पेशेंट्स आते हैं जो क्रोनिक इलनेस में मुब्तला होते हैं या डिसेबल होते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो खुद अपनी बूढ़े जो अपने खुद से केयर नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है कि उनको इन होम्स में लाया जाता है जहाँ पर उनको ये एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स जो करवाई जाती हैं, जो हमने फर्स्ट फ्लाइट में पढ़ा कि उनको हर चीज़ खुद से करवाना होती है और उनको असिस्टेंस की मुकम्मल ज़रूरत होती है। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछिए। समझ आ रहा है निम्रा आपको? ऐश, आपको आ रही है समझ? देख ले, मोबाइल लगा के सोए हुए हैं। आवाज तो यार ऐसे ही लग रहा है। चलें जी, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी के वाले से मैंने आपको हमने 2-3 स्लाइड्स में पढ़ लिया। अब आपको मेरा ख्याल है इसकी अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। मजीद इसको देख लेते हैं। स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ और SNF इस टाइप ऑफ नर्सिंग होम। क्लियर, ये जुमला याद रखें कि नर्सिंग होम के टाइप है। दिस टाइप ऑफ नर्सिंग होम इज़ रिकगनाइज बाय CMS एज अ टाइप ऑफ फैसिलिटी दैट मीट्स द मेडिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल हु हैव द पोटेंशियल ऑफ functioning independently after a limited time of care. The staff that take care of these residents are predominantly RN लिख लें, RN कहते हैं registered nurses को, and more professional caregivers than CNS. CNS कहते हैं certified nursing assistants को, ये nursing associate को कह लें या assistants को कह लें। अच्छा, ये क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज रेजिडेंट्स हैव सिवियर डेफिशिएंसीज इन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग द रिक्वायर कॉन्स्टेंट केयर। अच्छा, ये याद रखें, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जो लोग नर्सिंग स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ के अंदर आते हैं उनके अंदर सिवियर डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। वो परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी डेली लिविंग ADLs एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, और ये दिस टाइप ऑफ नर्सिंग होम इज रिकॉग्नाइज बाय CMS एज टाइप ऑफ फैसिलिटी दैट मीट्स द मेडिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये एक ऐसी है जिसमें आपको समझो बेसिकली कि मेडिकल नीड्स को सामने रखते हुए इस फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन किया जाता है, और इसके अंदर मैंने बताया कि वही लोग आते हैं जो सिवियर डेफिशिएंसीज होती हैं, कोई बीमारी हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, और इनकी जो टेक केयर करते हैं ना वो रजिस्टर्ड नर्सेज करती हैं जो बाकायदा क्वालिफाइड होती हैं, उनको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं, पहले पढ़ती हैं, वो पढ़ के उनको तमाम केयर्स के हवाले से पढ़ाया जाता है, उनको प्रैक्टिकली कराया जाता है। उसके बाद जब प्रोफेशनल्स बन जाते हैं तो तब उनको फिर वो इसको स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ में उनको लाया जाता है, जहाँ पर वो क्या करती हैं कि वो ये फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये को मेडिकल का है सर्टिफिकेट, मेडिकल सोल्यूशन ये इस तरह का है, ये मैं आपको बता दूंगा इसका एग्जैक्ट जो है नाम क्या है। CMS बेसिकली एक इदारा है जो इनको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अच्छा, रिहेबिलेशन जो है ये क्या हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, इनको कहते हैं इन पेशेंट रिहेबिलिएशन फैसिलिटी। आवाज आ रही है, क्या कह रही हो कैसे बोलो। अच्छा, ये जो है ना फील्स लाइक अ हॉस्पिटल यूनिट, ठीक है, बट इट इज एन एक्यूएट पेशेंट रिहेबिलिएशन फैसिलिटीज दैट इज लाइसेंस एज हॉस्पिटल। ये एक हॉस्पिटल की तरह होता है, उनको एक लाइसेंस बकायदा जारी होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये क्या कहते हैं इसको, फेजिस्ट्रस क्या कहते हैं इसको, समाविया डॉक्टर होता है बहरहाल स्पेशलाइजिंग इन रिहेबिलिएशन, ये डॉक्टर को कहते हैं और जो स्पेशलाइज हो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल साइकाइट्रिस्ट। हाँ जी, अच्छा ये डॉक्टर जो होता है ना, ये रिहेबिलिटेशन फिजियास्ट्री है बेसिकली, है ना, तभी तो उन्हें साइकाइट्रिस्ट को समझ आता है। ये फिजियास्ट्री है जो रिहेबिलिएशन के प्रोसेस को करता है। ठीक है वर्ड, ठीक है। ये बेसिकली रिहेबिलिएशन के अंदर एक डॉक्टर होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है, जो क्या करता है पेशेंट्स को ना हर रोज जो है वो उनको केयर चेक करता है और फिर डायरेक्ट पेशेंट केयर करता है। ठीक है, ये वर्ड ठीक है, यही होता है जो इसमें रिहेबिलिएशन के काम करता है। इसका काम इसलिए ये होता है कि वो डेली जो है पेशेंट्स को देखे और उसको डायरेक्ट पेशेंट केयर दे। ये ना हो कि जिस तरह हमारे यहाँ क्या होता है हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर चेक करके चले गए और उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन बना दी और वो आए और आकर उन्होंने उसको देखा और उसके मुताबिक जो है वो नर्सेज ने या किसी जो बॉय अटेंडेंट ने उसको देखना शुरू कर दिया और केयर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो रिहेबिलिएशन प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है और इसका काम इसलिए भी होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं उनको इंतहाई जो है वो केयर की ज़रूरत होती है और फिर ये जो डॉक्टर होता है ये उनको वो केयर प्रोवाइड करता है। अच्छा, नर्सेज स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ ऑल एजेस विद मल्टीपल फिजिकल एंड मेडिकल इशूज़। कौन सी नर्सेज इसके अंदर होती हैं जो स्पेशलाइज हों पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तमाम उम्र के लोगों को ट्रीट कर सकें और मल्टीपल फिजिकल एंड मेडिकल इशूज़ को भी वो देख सकें। कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं और फिजिकल इश्यूज होते हैं, इस तरह मेडिकल या एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग के हवाले से, तो वो इसमें सब में स्पेशलाइज होती हैं बेसिकली, जिसको मैंने आपको बताया कि वो रजिस्टर्ड नर्सेज भी उनको कहा जाता है। द डे शिफ्ट नर्स टू पेशेंट रेशो इज़ 1:6, यानी कि 6 पेशेंट्स को एक नर्स देखती है टू इंश्योर नर्सेज कैन प्रोवाइड कम्प्लेक्स केयर। और जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स केयर जो है वो इस काबिल होती है प्रोवाइड कर सकें। पेशेंट रिसीव इंटेंसिव थेरापी टू और मोर थेरापीज फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 आवर्स पर वीक विच हेल्प्स बिल्ड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मोबिलिटी एंड बैलेंस। ठीक है, तो ये जो नर्सेज होती हैं क्योंकि मैंने बताया हाई क्वालिफाइड होती हैं, तो ये जो पेशेंट्स को इंटेंसिव थेरापीज़ भी करवा देती हैं और मोर थेरापीज़ इसके अलावा भी जो 15 आवर्स तक जो है ना वो जिनका वो ड्यूरेशन होता है पर वीक में, तो ये ज़ाहिर बात है कि मामूली बात नहीं होती है, एक आम बंदा नहीं करा सकता, ये वो ही करवा सकता है जिसके अंदर वो स्किल्ड हो और उसके मुताबिक वो उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है, पेशेंट्स आर एडमिटेड टू एन IRF, मैंने आपको बता दिया इन पेशेंट रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ फ्राम डिफरेंट लोकेशन सच एज हॉस्पिटल यूनिट्स वगैरह। यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ हॉस्पिटल से भी जो होते हैं ना पेशेंट्स को जो है वो रेफ़र किया जाता है और वो वहाँ पर एडमिट होते हैं, ऑब्जर्वेशन यूनिट्स के अंदर, एमरजेंसी डिपार्टमेंट और इवन होम के अंदर भी वो मतलब वो उनको रखा जाता है। फिर फिजिशियंस, नर्सेज, थेरापिस्ट, केस मैनेजर्स, पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज मेंबर्स वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड मैनर्स, तमाम लोग क्या करते हैं, एक टीम के तौर पे काम करते हैं, वो फिजिशियंस हों, नर्सेज हों, थेरापिस्ट हों, केस मैनेजर्स हों, पेशेंट्स हों और देयर फैमिलीज मेंबर्स हों, कोई भी हों, वो सब मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर ऐसा कोऑर्डिनेट ना हो तो वो चीज़ों को उस तरह सर्विसेज को उस क्वालिटी के साथ डिलीवर ना कर पाए। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। ये फिजियाट्रिस्ट ही है, सही आपने कहा कि वो नहीं है साइकेट्रिस्ट। हाँ जी, क्योंकि देखिए ना उसमें सिर्फ मेडिकल केयर नहीं है ना, उनके और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको वो लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और फिर फिजियाट्रिस्ट ही वो बंदा होता है जो उसको हर रोज देखता है और उसके पेशेंट को जो है उसकी जो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करता है। समझ आ रही है काशा? मुजम्मिल को भी कोई जगा दे, सोया हुआ है कब से। चलें आगे समाविया, ये देख लो, ये इनमें से बॉयज में से अक्सर या तो सोए हुए हैं या फिर उनने ये मोबाइल ऑन करके ना नाश्ता कर रहे हैं। मैडम जाग रहे हैं, चले जी, अल्लाह करे आप जागते रहे। चले नेक्स्ट देखें जी क्या है चैलेंज ऑफ एलटीसी। इसका पहला चैलेंज क्या है, फाइनेंस के हवाले से है। एलटी सिस्टर जागे होंगे, आवाज से लग रहा है बिल्कुल जागे होंगे। अच्छा इधर ही, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में आप मीटिंग में हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चैलेंज फॉर लॉन्ग टर्म केयर क्या होती है? अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज इट्स ऑनगोइंग रिलायंस ऑन मेडिकेटेड फंडिंग। हर चीज़ का सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, खासकर ऐसे काम जो आप वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, उनका सबसे बड़ा इशू क्या होता है, उनकी फंडिंग होती है। जैसे हमारे यहाँ देख लेंगे बहुत बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ऐसे वेलफेयर के वर्क हैं, जरा ईदी का के हवाले से, शौकत खानम के हवाले से, लेकिन बट क्या है, दे आर रिक्वायर्ड फंड्स। जब फंड्स का आना रुक जाता है तो फिर इनकी ये अपनी फैसिलिटीज़ जो है उसी तरह जो है वो डिलीवर करना इनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। आज उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट भी उनको फंडिंग कर रही होती है और चैरिटीज़ के लोग भी उनको फंडिंग कर रहे होते हैं, जिससे वो क्या हो रहा होता है कि वो ये इदारे जो होते हैं इस तरह के चल रहे होते हैं। इसमें reimbursement that medicated offer is very minimal. It is estimated that nursing home loss per medicated patient approximately $13 per day. अभी देख लें कि फंड्स ना होने की वजह से क्या कहते हैं कि वो जो नर्सिंग होम्स में ना $13 पर डे के हिसाब से क्या हो रहा होता है, वो लॉस हो रहा होता है, क्योंकि वो इतने उसके अगेंस्ट वो लोग जिनको वो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें अक्सर ऐसे होते हैं जो वो पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी सोच के साथ वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। अल्लाह ताला जो है वो सबके ज़हन में सबसे पहली चीज़ जो है वो, और सबसे जो इस्लाम सबसे बड़ी प्रीचिंग करता है वो ये इम्यूनिटी के हवाले से करता है कि वो इदारे जो लॉसेस भी ले रहे हैं और जो है वो लोगों को लॉन्ग टर्म केयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। अनदर प्रॉब्लम फेसिंग एलटीसी फैसिलिटी इज द डिफिकल्टी इन फिलिंग ऑल द अवेलेबल बेड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कम होते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ वास्ट इंक्रीज इन द एल्डरली लिविंग इन असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़। अब रिसेंट ईयर्स में कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम तो एक माशरती निज़ाम प्रॉपर इस्लाम ने हमें दिया है, जबकि दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो वहाँ पर इस तरह का नहीं है। वहाँ पर जो है वो बच्चे वालदैन को जो है ज़्यादा जब जैसे बूढ़े हो जाते हैं वो केयर नहीं करते, वो उनको ये जो ओल्ड एल्डरली होम्स वगैरह या ये सब नर्सिंग केयर्स और इस तरह की चीज़ों में एडमिट करवा देते हैं। लेकिन वो कहता है कि अब ना लोगों का, क्योंकि एल्डरली केयर का ना रुझान बढ़ गया रिसेंट ईयर्स के अंदर से, बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ ऑर्डर फैसिलिटीज़ आर सफरिंग इन ऑक्यूपेंसी। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि ये फैसिलिटी जो ये लॉन्ग टर्म केयर ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर अदर जो है वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से। तो अब जब ये लॉन्ग टर्म केयर और ये जो नर्सिंग फैसिलिटीज़, स्किल्ड नर्सिस और ये तमाम चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो जाहिर बात है उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो पहला चैलेंज क्या है आपके जहन में आना चाहिए, जब भी अगर इस तरह का सवाल आ जाए चैलेंज ऑफ LTC, तो आप उसको ये बताएंगे कि फंड्स जो है ना वो इज़ अनसफिशेंट टू मूव लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ के, जो सफिशेंट नहीं है इसकी फैसिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म केयर की ज़्यादा अरसे तक मूव करने के हवाले से। समझ आ रही है यहाँ तक? चैलेंज नंबर 2 क्या हो सकता है? चैलेंज नंबर 2 क्या है कि जाहिर बात है कि आप कितनी इंटेंसिव केयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और किन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो the people are elderly, the people are suffering in a chronic diseases, the people are disabled, mental और physical। तो उसके लिए what you are required, जैसे कि आपको फाइनेंस चाहिए उसके साथ साथ आपको you are required quality staff दे। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्ड और क्वालिफाइड स्टाफ ना होगा और ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आप ये लॉन्ग टर्म केयर जो है वो उस तरह प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उस तरह प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो लोग जो है आपके पास आए हैं वो डिट्रस्ट होंगे, उनकी अक्सर खुदा न खास्ता किसी को कोई रिकवरी के बजाय वो कोई कैजुअलिटीज़ की तरफ भी जा सकता है, तो वो उसका नुकसान होगा। तो ये क्वालिटी ऑफ स्टाफ तो हर जगह चाहिए। जिस तरह हम बात करते हैं डिग्री ऑफ क्वालिटी को डिग्री ऑफ एक्सीलेंस लेते हैं, तो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस महज प्रोडक्ट में नहीं चाहिए बल्कि सर्विसेज में भी चाहिए। ठीक है, अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ एलटी फैसिलिटी इज फाइंडिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी स्टाफ। द केयर गिवर्स और CNA आर द फेस ऑफ द फैसिलिटी। हाउ द CNA परफॉर्म reflects the overall morale and reputations of the facility. If the goal is to have a full house, is to absolutely crucial to find competent, kind, and hardworking care. What a blessing of for the homestead that I am the face of their company. समझ आ गए ना कि आप कुछ अगर केयर गिवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफाइड नर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो जिनको बिल्कुल मॉरलिटी का पता हो, जिनको रेपुटेशन का एहसास हो, जो केयर को इसी तरह प्रोवाइड करें जैसे वो अपने घरों में प्रोवाइड करते हैं, तो फिर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म केयर को बेहतर तौर पर डिलीवर किया जा सकता है। और अगर इस तरह नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके हार्मफुल रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। अगर आपने ऐसे शख्स के हाथ में इंजेक्शन दे दिया जिसको इंजेक्शन से लगाना नहीं आता, तो वो हो सकता है कि जहाँ पर इंजेक्शन लगाना हो उसके बजाय गलत जगह पर लगा दे और उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो। हाँ बोलें समाबी। नहीं, ये तो खुद बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है ना, आप इसकी एक मिसाल ये दे सकते हैं जैसे वो नौरिंग नशात है, एक रिफाई इदारा है जहाँ पर वो कुछ कम कर देते हैं पैसे तो लेते हैं, लेकिन अगर वो गरीब चला जाए ना तो वो उसके ऑपरेशंस में और जो है उसकी जो बाकी फैसिलिटीज़ में कम करते हैं। शौकत खानम की जो ये आउटलेट्स ये छोटी छोटी बनी हुई ना, टेस्ट की तो उससे चार्ज करते हैं ना, आप टेस्ट कराने के लिए चले जाएँ शुगर का ये किसी भी चीज़ का, तो वो तो हाईली चार्ज करते हैं आप लोगों से, लेकिन क्वालिटी देते हैं आपको। ठीक है, जिस तरह एक इसका एक ना हाँ, नहीं वो उसको देखिए शौकत खानम की जो भी अर्निंग्स यहाँ से जाएंगी वो तो हॉस्पिटल मेजर उसी के में जाएंगी ना, ये बात कर रही हैं आप लोग। ठीक है कि जो इसकी छोटी छोटी ये बनी हुई हैं लैब्स वगैरह, इसकी जो फ्रेंचाइजीज उन्होंने बनाई हैं उसका मकसद यही है कि वो उसको सस्टेन करने के लिए उन्होंने बिजनेस आउटलेट्स बनाए हुए हैं जहाँ से वो आपको एक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं और उसकी अर्निंग से वो मेजर एक्सपेंसेस जो वहाँ शौकत खानम के हैं उसको मीट करते हैं। लेकिन ये नहीं कि उसकी अर्निंग्स जो है वो किसी और हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, जो जिसकी भी लैब्स वहाँ पर बनी हुई है जिसकी भी होती है वो बेसिकली उस हेड ऑफिस में उसकी अर्निंग जा रही होती हैं, और जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं तो उनका पेड स्टाफ होता है जिसको वो वहाँ से उनकी सैलरीज आ रही होती है। समझ आ गई यार? हाँ हाँ देखो वेलफेयर के जो इदारे होते हैं ना, उनको चैरिटीज़ भी आ रही होती हैं, फंड्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी क्योंकि वो फंक्शनैलिटीज़ और सर्विसेज ऐसी होती है ना कि वो जितने भी आ जाएँ उतने लिए कम होता है। तो फिर इदारे को ना ये सोचना होता है कि वो कैसे अपने आप को सस्टेन कर सकता है। हमें साल के तौर पर एक इदारे को एक साल 1 मिलियन रुपीज़ मिल गए, ठीक है, और अगले साल उसको 50 लाख मिले। तो अब मुझे बताओ कि वो जो अगले साल कम पैसे उसको मिले हैं लेकिन उसके एक्सपेंसेस तो ज़्यादा थे, तो उसको सस्टेन करने के लिए फिर इदारे क्या कर रहे होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं कि कहाँ से वो पैसा अर्न करके अपने उन हेल्थ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कवर कर सकते हैं। खासकर वो ऐसे इदारे जो लॉन्ग टर्म केयर दे रहे होते हैं जहाँ पर पेशेंट्स ने काफ़ी अर्से रहना होता है, तो उनके लिए तो हर वक्त पैसों की ज़रूरत है, डे बाय डे एक्सपेंसेस के हवाले से। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो दुनिया के अंदर भी यही निज़ाम है कि वो अपने कोई ना कोई ऐसे सोर्सेज बनाते हैं कि जहाँ से उनकी इनकम आए और वो अपने मेजर एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। समझ आ गई यहाँ तक? कौन? हाँ, वो चार्ज इसलिए करते हैं ना। देखो ना, अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स है जो साहिब हैसियत है, ठीक है ना, वो पे कर सकता है, और एक ऐसा शख्स है जो बिल्कुल चार्ज पे नहीं कर सकता। तो वो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा होता है ना कि वो आपसे एक फॉर्म देते हैं और उस फॉर्म पर आपसे फिल करवाते हैं। अगर आप ये कहते हैं जी कि मैं बिल्कुल इनएलिजिबल हूँ, कि मैं पे नहीं कर सकता, जॉबलेस हूँ या मेरे पास अदर सोर्सेज नहीं है, तो जाहिर बात है वो आपके साथ रियायत करते हैं। और वो लोग जो पे कर सकते हैं उनसे तो ज़ाहिर बात है उन्होंने चार्ज करना है ना, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे कि उन्होंने लैब्स बनाई है, लैब्स के ज़रिए वो पैसे उनके पास आता है, वो जो है वो आगे चलाते हैं। आप बताएं किसने हाथ खड़ा किया है? पूछें क्वेश्चन, किन्होंने रेज किया था हाथ? और मेरा ख्याल से वो हाथ हिला रहा होगा, अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए। चलें जी आगे हैं। एडवोकेसी ग्रुप ऑफ फॉर LTC। अच्छा, फैमिली केयर रिलायंस इज द क्लोजेस्ट थिंग्स द लॉन्ग टर्म केयर हैज फॉर द एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स पर्पज इज टू सपोर्ट ऑल दोज इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म केयर एंड प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस व्हेन इट कम्स टू एजुकेटेड अदर्स, रिसर्चिंग एंड एडवोकेटिंग। बिलो is there about us found on their websites and is similar to their mission statement। फैमिली केयर गिवर अलायंस ये कह रहा है कि क्लोजेस्ट है आपके लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से। और फॉरेन एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च और एडवोकेट करती है, जो ट्रेनिंग्स करवाती है, जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हांस कर रही होती है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है कि वो आपको सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म केयर को। किस तरह सपोर्ट करती है? केयर गिवर्स को या फिर रजिस्टर्ड नर्सेज को कोई ट्रेनिंग्स करवा कर, उनको कोई असिस्टेंस के हवाले से, उनको एडवांस रिसर्च की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको जो है वो ट्रेन करती है, उनको एडवोकेट करती है। बेसिकली ये वो कहता है कि ये बेसिकली क्या है, वो इसको FCA कहा जाता है। FCA स्टैंड फॉर फैमिली केयर गिवर अलायंस। इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ पब्लिक वॉइस फॉर केयर गिवर्स। ये केयर बेसिकली एक तंजीम है जो केयर गिवर्स की ने मिलकर बनाई हुई है। फाउंडेड इन द लेट 1970s, जो 1970 में बन के बाद बनी। वी वर द फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, शौकत खाना भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी FCA भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इन द कंट्री टू एड्रेस द नीड्स ऑफ फैमिलीज एंड फ्रेंड्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म केयर फॉर लव्ड वंस एट होम। बेसिकली केयर गिवर्स का मतलब क्या है कि इन्होंने जो फैमिलीज़ के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से इस टॉपिक को जो है वो उनका बेसिकली जो है उठाया और उसके हवाले से उन्होंने इसको अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन और ऑब्जेक्टिव्स बनाए। वी एलिमिनेट द केयर गिवर्स डेली चैलेंज टू बेटर द लाइव्स ऑफ केयर गिवर नेशनली, प्रोवाइड दैम द असिस्टेंस दे नीड एंड डिजर्व एंड चैम्पियन देयर कॉज थ्रू एजुकेशन, सर्विस, रिसर्च एंड एडवोकेसी। बेसिकली FCA एक केयर गिवर्स की एक तंजीम है जो दुनिया में कहीं भी केयर गिवर्स हैं वो उनको एजुकेशन के लिए, उनके सर्विस, रिसर्च, एडवोकेसी के लिए बनी हुई है। वो उनको असिस्ट करती है, उनको एजुकेट करती है, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम्स के लिए वो फौरी तौर पर जो है वो उनको कवर करती है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ना, जो किसके लिए बनाई गई है, जो केयर गिवर्स के लिए बनाई गई है, और उनका पर्पस क्या है कि वो लॉन्ग टर्म केयर को सपोर्ट करते हैं और जो है वो उनको मुफ्त जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको एजुकेशन के ज़रिए, रिसर्चेस के ज़रिए और एडवोकेसी के ज़रिए जो है वो उनको उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं ताकि वो बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। यहाँ तक समझ आ गई है? हाँ जी, नेक्स्ट बताएं क्या है। माई डिज़ायर टू वर्क इन लॉन्ग टर्म केयर। अब मेरा ख्याल है कि इतना कुछ हमने पढ़ लिया। अब आपकी आपके बायोमेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपकी अगर ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप भी इसमें सर्व करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लोग तनहा छोड़ देते हैं, जिन लोगों की को लोग समझ लेते हैं कि लाइलाज हैं, उन लोगों के लिए जिनको समझते हैं कि ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो दुआ कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो अल्लाह को प्यार के पास चले जाएं ताकि हमारी उनसे जान छूट जाए। ऐसे लोग भी हैं माशरे के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उनकी केयर दिल से करते हैं और जो है वो सर्व करते हैं, जबकि हमें सिखाया यही गया है, हमारी जो तहजीब है इस्लामी वो उसमें यही सिखाया जाता है कि आप जो है वो किस तरीके से इस्लामी हो या किसी भी मज़हब के हवाले से हो, वो बुज़ुर्गों का एहतराम और उनकी सेहत के हवाले से जो एक अच्छी डायरेक्शन लोगों को दिया जा देता है। फॉर अबाउट द पास्ट ईयर्स और सो आई हैव हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू वर्क इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म केयर। आई हैव बीन वर्किंग एट एन assisted living facility for the past 8 months and have just loved working where the tire hits the pavement. It has been a great blessing to serve the elderly with their ADL activities of daily living needs and to get to know them personally. I have the leadership qualities and financial intelligence to run a skilled nursing facilities on my own, hopefully someday soon. ये एक मेडिकल से रिलेटेड जो है ना, एक बंदे ने अपनी डिज़ायर, बंदा या बंदी ने, नर्सिस ने अपनी डिज़ायर एक शो की बताई है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं लॉन्ग टर्म केयर के अंदर जो है वो काम करूं। और मेरा जो है वो पहले भी एक तजर्बा है असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ के हवाले से, 8 माह मैंने वहाँ पर काम किया और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे उस काम से मोहब्बत थी, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सर्व करना पड़ा, सर्व करना मैंने सीखा। ये कहते हैं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप किसी एल्डरली बुरे लोगों के लिए आप एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करें और उनका ख्याल रखें। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी मैं रखती हूँ कि मुझे कभी मौका मिले तो मैं स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ को अपने ओन खुद में एक बनाऊँ और उसको रन करूँ। हाँ जी, आइए समझिए। सोए हुए हैं? अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है। ओल्डर अमेरिकन्स एक्ट, OAA। ये भी याद रखें, ये भी आपके अगर MCQs के अंदर ये आ सकता है कि जब हम लॉन्ग टर्म केयर की बात करते हैं या स्किल नर्सिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो ये एक एक्ट है जिसको ओल्डर अमेरिकन्स एक्ट कहा जाता है, जो 1965 में जो पास आउट हुआ। अच्छा, ये किसने पास किया? कांग्रेस पास द ओल्डर अमेरिकन एक्ट OAA इन 1965 in response to concern by policy makers about a lack of community social services for older persons। कि long term care मैंने आपको बताया जैसे कि ये specific है किन लोगों के लिए, ये आपके बुज़ुर्ग लोगों के लिए या डिसेबल या क्रोनिक डिजीज़ के हवाले से। तो उन्होंने क्या किया उस वक्त के इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है, इस उम्र में आकर इस बीमारी के साथ लोग जल्दी फौत हो जाते हैं और उनको कोई केयर प्रोवाइड नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उनके पॉलिसी मेकर्स ने एक एक्ट बनाया 1965 में, जिसमें उन्होंने उसको ओल्डर अमेरिकन एक्ट का नाम दिया। द ओरिजिनल लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश अथॉरिटी फॉर ग्रांट्स टू स्टेट फॉर कम्युनिटी प्लानिंग एंड सोशल सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड पर्सनल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ एजिंग। द लॉ आल्सो एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑन एजिंग AOA to administer the newly created grant programs to serve as a federal focal point on matters concerning older persons। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद भी क्या था, ये उनको इंस्ट्रक्ट किया सोशल सर्विसेज को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को, पर्सनल ट्रेनिंग्स के हवाले से कि वो इस जो ओल्डरली बूढ़े लोगों से कंसर्निंग जितने भी मैटर्स हैं उनको प्रॉपरली देखें, बेसिकली जब कोई एक्ट पास होता है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस एक्ट को, उस प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए भी तैयार होती है। उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स प्लान होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ के हवाले से वो फिर फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और फिर उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। सम ऑफ द सर्विसेज दैट द OAA प्रोवाइड्स इज इन होम असिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जॉब ट्रेनिंग, होम डिलीवर्ड मील्स, केयर गिवर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शंस from abuse. The purpose of act is to help older Americans stay as independent as possible. In the year 2014 OAA funding from the government was 1.88 billion. देखो इतनी फंडिंग थी बेसिकली वो किन के लिए कि जो ओल्ड लोग हैं उनको होम असिस्टेंस दी जाए, ट्रांसपोर्टेशन दी जाए, कोई जॉब ट्रेनिंग हो जिससे थोड़ा बहुत वो कुछ कर सकें, होम डिलीवर्ड मील्स उन तक खाने पहुँचाए जाए, केयर गिवर सपोर्ट दी जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए अब्यूजमेंट्स के हवाले से, ठीक है ना। और उसकी इतनी ज़्यादा उन लोगों ने फंड की कि अमेरिकन जो बूढ़े अमेरिकन हैं उनको वो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए इस एक्ट के तहत। आइए समझ है भी क्लियर। चलें जी लास्ट स्लाइड पर आ जाएं। अच्छा ये क्या है नेक्स्ट में कि आपके द 1965 मेडिकेयर अमेंडमेंट्स टू द SS एक्ट, ये एक अनदर एक्ट की बात करता है। अच्छा ये एक्ट कब है? जुलाई 30 जुलाई 1965 मार्क द डे दैट प्रेजिडेंट जॉनसन ऑफिशियली साइंड द अमेंडमेंट्स टू द सोशल सिक्योरिटी एक्ट विच एस्टेब्लिश मेडिकेयर एंड मेडिकेटेड with a promise that they would improve a wide range of health and medical services for American for all ages. देखिए मैंने आपको बताया था हेल्थ और हेल्थ केयर दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जाती है कि वहाँ पर जो है उनके जो प्रेसिडेंट जॉनसन ने खुद जो है वो उसके अमेंडमेंट्स को जो है साइन किया और वो उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया और एक उनको कहा, सोशल सिक्योरिटी वालों को कहा कि मेडिकेयर और मेडिकेटेड जो है वो एक उसको इस्टेब्लिश किया जाए और वादा करें कि वो अपनी हेल्थ सर्विसेज को तो जितने भी अमेरिकन तमाम एजेस के हवाले से उनको उनके लिए इम्प्रूव करेंगे और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लेकर आएंगे। दीज न्यू सर्विसेज वर टू बी असिस्टेंस टू द एल्डरली अमेरिकन्स वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड क्वालिटी हेल्थ केयर इंश्योरेंस। दे वर सक्सेसफुल नॉट ओनली टू द एल्डरली बट टू वास्ट ऑडियंस ऑफ क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स। ठीक है तो क्या हुआ कि ये सर्विसेज थी बेसिकली किसके लिए थी? बूढ़े अमेरिकन्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज या इंश्योरेंस को। फिर क्या है कि वो उसके अलावा भी उन्होंने बाकी जो है वो ऑडियंस को भी उन्होंने कहा कि इसको कवर करें जो उससे रिलेटेड क्वालिफाई करते हों, मिसाल के तौर पर कोई डिसेबल हों, क्रोनिक डिजीज़ के हवाले से हों, तो वो कहते हैं उन सब के लिए उन्होंने क्या कहा कि इस अपनी हेल्थ और हेल्थ केयर में मेडिकेयर और मेडिकेटेड सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया जाए जो तमाम अमेरिकन को प्रोवाइड की जाए। इसी तरीके से अगर जिस तरह कोई बड़ा मुल्क है, एक सुपर पावर अपने आप को समझ के कहलाता है और उसके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, तो वो अगर अपने मुल्क के लिए कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा गवर्नमेंट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। गवर्नमेंट अगर अपने प्रायोरिटी सेट कर ले और एक आम आवाम के लिए सेहत और एजुकेशन को की फैसिलिटीज़ को कंपलसरी बना दे कि ये हर एक के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है और हर एक शख्स जो है वो इसे एक्सेस करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर हम दो चीज़ों में हर बंदे के एक्सेस बढ़ा दें जिसमें हेल्थ और एजुकेशन है तो बहुत जल्दी हमारा मुल्क जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज बन जाए और वो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखें कि जो जापानीज़ को ओवर 99% जो उनकी लिटरेसी रेट है और हेल्थ के हवाले से मैंने आपको बताया उसकी वजह ये है कि उनकी प्रायोरिटीज़ यही हैं और वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद तबाह होने के बावजूद भी वो ये खुश थे कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को बचा लिया, वो दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएंगे और वो हुआ भी यही कि उन्होंने थ्रू एजुकेशन दोबारा अपने आप को, अपने मकाम को दोबारा उन्होंने हासिल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे मुझसे पूछो। पहले इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछ लें अगर कोई है तो। हाँ जी कोई और है तो फिर ताकि इसको हम स्टॉप करके रिकॉर्डिंग को फिर अगली बात करेंगे। क्लियर? चलिए इसको स्टॉप